नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बार फिर से तेंदुए का आतंक है और इस बार तेंदुए ने दस्तक दी है गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसने अचानक एक वकील और जूता पॉलिश करने वाले पर बोल दिया हमला और उन्हें कर दिया लहूलुहान। मच गई कोर्ट में भगदड़। अभी भी तेंदुआ पकड़ा नहीं जा सका है। जजों और वकीलों को किसी तरीके से दरवाजे बंद करके अपनी जान बचानी पड़ी है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अरे भैया, जानकारी के मुताबिक सीजीएम कोर्ट के ऑफिस नंबर 50 के सामने एक युवक जूता पॉलिश कर रहा था। तभी वहां तेंदुआ ने पहले जूता पॉलिश करने वाले युवक और उसके बाद एक अधिवक्ता पर झपट्टा मारा। वो दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। तेंदुआ के घुसते ही पुरानी बिल्डिंग के सभी कोर्ट रूम खाली हो गए। अधिवक्ताओं एवं जजों ने भाग करके किसी तरीके से अपनी जान बचाई। तेंदुआ बिल्डिंग में लोहे की ग्रिल के किनारे बैठा हुआ है। जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और वन विभाग को भी सूचना दी गई। तेंदुआ को पकड़ने की रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तेंदुआ कोई पहली बार गाजियाबाद में नहीं दिखा है। इसके पहले भी कॉलोनियों में दिख चुका है और अब सीधे कोर्ट में घुसा है। तो जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, तब तक अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों की जो है सांसें थमी हुई है, रुकी हुई है कि आखिरकार कब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि सभी भय व दहशत में है। रैन बेखबर देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।